नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं हिंदी कॉमिक्स जगत के आइकॉनिक पब्लिकेशन इंद्रजाल कॉमिक्स में फैंटम, या फिर जिसे हिंदी में नाम दिया गया था वेताल, उसकी पहली कॉमिक्स। इसका नाम है वेताल की मेखला। यह इंद्रजाल कॉमिक्स द्वारा भी प्रकाशित हिंदी में पहली कॉमिक्स थी। आइए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। वेताल। 400 साल पहले सिंधा समुद्री डाकुओं ने हिंदी महासागर में एक जहाज को लूटकर जला दिया था। उसके सब यात्री मारे गए। केवल एक साहसी नौजवान कई दिन तैरकर योग द्वीप जा पहुंचा था। वेतालों की परंपरा उसी से शुरू हुई। इस आदि वेताल ने अपने पिता के हत्यारे का मुंड हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की थी कि जहाँ कहीं अनाचार और अन्याय होगा, उसे वह मिटाने का प्रयत्न करेगा। उसके वंश की हर पीढ़ी के ज्येष्ठ पुत्र ने इस वेताल प्रतिज्ञा को दोहराया है। हिंसा और अन्याय के ऊपर वेताल की प्रत्येक विजय मानवता के लिए कल्याणकारी है। वेताल के चिन्ह भी बिल्कुल अनूठे हैं। उसके दाहिने हाथ के घूंसे से जो मुंड चिन्ह अंकित होता है, उससे पापी और दुष्ट लोग कांप उठते हैं, और यह है उसका शुभ चिन्ह। वेताल के बाएं हाथ से जिस पर यह चिन्ह अंकित होता है, वह आजीवन वेताल की सहायता पाता है। महावन के आदिवासी समझते हैं कि वेताल अमर है। केवल वंडर वोने और वीर यह जानते हैं कि वेताल भी मरता है, वह अमर नहीं है। वर्तमान वेताल अपने वंश की परंपरा में 14वां है। वेताल के बारे में तरह तरह के किस्से सुनाए जाते हैं। इनमें से कुछ तो काल्पनिक है, लेकिन कुछ घटनाएं सच्ची भी हैं। 10 वर्ष पूर्व हमारे इस वेताल के पिता की मृत्यु हुई थी, और तब से प्रतिवर्ष एक दिन ऐसा आता है कि जब वेताल निराहार व्रत रखता है। उस दिन वह अपने पुरखों की याद में तहखाने में जाता है, जहां 400 वर्षों में हुए वेतालों की निशानियां हैं। घनघोर जंगलों के निवासी और नाविक वेताल को अमर मानते हैं, लेकिन बौने वीर जानते हैं कि वह अमर नहीं है। आज हमारे महाबली वेताल के स्वर्गीय पिता की बरसी है, मृत्यु की तिथि। प्रत्येक वेताल अपने पिता के चरण चिन्हों पर चलता है। वेताल को 10 वर्ष पूर्व की वह घटना याद आ रही है, जब उसके पिता का देहांत हुआ था। सिंगा डाकू का लुटेरा जहाज, इस पर कैसे पहुंचोगे मेरे प्यारे पिता? मेरा एक भेड़िया तट पर खड़ा है। सिंधा डाकू का वह गुलाम था, मैंने उसे आज़ाद कराया था दुष्टों के चंगुल से। वह डाकुओं के सब भेद जानता है, कहाँ उनके हथियार रखे हैं, कहाँ खजाना है, पहरा कब बदलता है, सब जानता है। बेटे, तुम वन में जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। लेकिन मैं वहीं रुका रहा। एक डोंगी लेकर भेदिया आया और मेरे पिता लुटेरे जहाज की ओर चले गए। वह रुका रहा। एक एक पल घंटे की तरह बीता। फिर जोर का धमाका हुआ, विस्फोट, सिंधा का डाकू जहाज भस्म हो गया। वेताल को याद आ रहा है वह दिन, जब उसके पिता ने एक भेदिये की मदद से सिंधा के समुद्री डाकू जहाज का सफाया किया था। उसने उन्हें एक डोंगी में लौटते देखा था और वह भागकर जंगल में गया। पिता की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब पिता लौटे, वे अकेले थे, बुरी तरह घायल। मेरे पिता, महावन में पहुंचने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी लाश पुरखों की समाधियों के निकट गुफा में बंद कर दी गई। और फिर वेताल गुफा के बाहर आया अपने पिता का स्थान लेने, और इस तरह वेताल की परंपरा अटूट चलती रही। ऐसी थी हमारे वेताल के पिता की अंत की कथा। जिंदाबाद वेताल की जय हो, हमारा वेताल अमर हो। गुर्रन, मेरे पिता उस दिन अपनी मेखला कमरबंद कहीं छोड़ आए थे। क्या तुम्हें मालूम है कि वे कैसे मारे गए? सब जानते हैं कि सिंघा डाकुओं में से बहादुरों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई। गुर्रन, उनकी पीठ में छुरा भोंका गया। जिसने भी यह घात किया, उसी ने उनकी प्रेत चिन्ह वाली मेखला भी ले ली। पीठ में छू मुझे पता नहीं, पर किसने ऐसा घात किया? किसी ऐसे ने जिस पर वे विश्वास करते थे, उनका भेदिया, जिसका चेहरा मैं उस दिन नहीं देख पाया। यदि वह पापी जिंदा है, तो एक दिन मैं उसे रणकाली के विक्रम क्लब में एक शाम। गजब की कहानी थी तुम्हारी रामलू। अब आपकी बारी है हल्डर जी, कोई सच्ची कथा सुनाओ। हाँ, तुम दोनों ने सिंगा समुद्री डाकू का नाम तो सुना है, और वेताल का? सिंगा डाकुओं का नाम किसने नहीं सुना। कई वर्ष हुए उनके बल का ध्वंस हो गया था, याद नहीं आता कैसे।
और वेताल वह कपोल कल्पना है जंगली लोगों और समुद्री नाविकों को की दंत कथा। हाल्डर ने फिर पूछा, और गुल्लक द्वीप का नाम सुना है तुमने? दो देशों के झगड़े के कारण उस द्वीप पर किसी का राज्य नहीं, किसी का शासन नहीं। कई वर्ष हुए मेरा जहाज तूफान में फंस गया और मजबूर होकर हमें गुल्लक द्वीप के किनारे लंगर डालना पड़ा। तुम सचमुच गुल्लक द्वीप हो आए हो? मैंने सुना है वह बहुत ही भयानक स्थान है। वह संसार की सबसे दुष्ट जगह है। सिंगा डाकुओं के दल के ठगों का वहाँ राज है। गुल्लक द्वीप में बाहर के लोगों का जाना बहुत खतरनाक होता है। अभी आप भीमा से मिलेंगे। अच्छा, मिलूंगा भीमा से भी, किंतु यह भीमा कौन है और वेताल कब आएगा? ठहरो, अभी सुनाऊंगा। चुप रहो रामालू, उसे अपना किस्सा सुनाने दो। रणकाली के विक्रम क्लब में कहानी आगे बढ़ी। गुल्लक द्वीप में कोई असली सरकार तो है नहीं, पुराने डाकुओं का वहाँ राज है और लुटेरों और हत्यारों का ही वह डाकू है। हाँ, फिर क्या हुआ हाल्डर, आगे सुनाओ। समुद्री डाकुओं का वह बहुत बड़ा गढ़ है और वहाँ किसी भी बाहरी आदमी का तन और धन सुरक्षित नहीं रह सकता। गुल्लक द्वीप बहुत ही बदनाम जगह है। वहाँ जुआर खाना है और तरह तरह के दुष्ट कर्मों का बाजार है। हम लोगों को वहाँ के दुष्ट डाकू सरदार भीमा के सामने ले जाया गया। हाल्डर ने कहा, वहाँ इसी पापी का राज है। आइए, स्वागत है। जुआ खेलने वाले यात्रियों के यहाँ आने पर मुझे खुशी होती है। हम जुआ खेलने नहीं आए, तूफान में हमारा जहाज यहाँ रुकने को विवश हो गया। तुम क्या वैज्ञानिक हो या लेखक? चाहो तो मेरी जीवनी लिख डालो, बड़ा अद्भुत चरित्र है मेरा। आप अद्भुत व्यक्ति तो हैं ही, लेकिन मौसम सुधरते ही हमें यहाँ से चले जाना है। हाल्डर ने कहा, भाई उस डाकुओं की गढ़ी में मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही थी, डर भी लग रहा था उस दास से। तुम्हारे जहाज को यहाँ रुकने की फीस देनी होगी, 1,00,000 रुपये प्रतिदिन। 1,00,000 रुपये, यह तो बहुत ज़्यादा है, हम कहाँ से लाएंगे? उस कमरे की दीवार पर मैंने एक विचित्र चीज़ देखी। वह थी एक मेखला, बंदूक बांधने वाला कमर पट्टा, उस पर मुंड वाला चिन्ह था। मैंने भीमा से पूछा। भीमा मेरे पास आ गया और वह उस प्रेत चिन्ह वाली मेखला की ओर उंगली उठाकर बोला, कुछ लोग दीवार पर अपने मारे हुए शेर और भैंसे के मुर्दे सिर सजाते हैं। मैंने सब तरह का शिकार किया है, किंतु यह मेरा सबसे बड़ा शिकार है। यह कहते कहते डाकू भीमा के चेहरे पर एक अजीब परेशानी का भाव आ गया। वह वेताल की मेखला है, महाबली प्रेत की। सचमुच भीमा, लेकिन क्या वेताल नाम का कोई व्यक्ति था भी? हाँ, वेताल था। सभी समुद्री नाविक यह बात जानते हैं। वह 400 वर्षों तक जिया, लेकिन फिर एक दिन, आगे नहीं बताऊंगा। जाओ, तुम्हें यह सिपाही ठहरने की जगह बता देगा। तुम्हारे रुकने की फीस 1,00,000 रुपये रोज। हाल्डर ने कहा, लुटेरे की फीस की बात सोचकर हमारा दिमाग चकरा गया। बुरा हो उस तूफान का जो हमें वहां ले गया। दूसरे दिन जहाज का ढेरों सामान बेचकर हमने भीमा की फीस चुकाई और गुल्लक द्वीप को प्रणाम किया। जान बची, लाखों पाए। हाल्डर, इन दुष्टों ने सभी कुछ ले लिया, हाथ पैर भर छोड़ दिए। अरे कैप्टन, जान बच गई, यही क्या कम है? खूब था यह एडवेंचर हाल्डर, तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि सही सलामत गुल्लक से लौट आए। और भाई, उस डाकू भीमा की बातें भी अद्भुत है, कोई शक नहीं। अच्छा, यह वेताल की मेखला की बात कैसी है? अरे बकवास है, भीमा पुराना समुद्री डाकू है, जंगलियों की तरह यो भी अंधविश्वासी होते हैं। वेताल इन लोगों के लिए एक पुरानी मनगढ़ंत भयानवी कहानी है। भीमा महाज डोंग हाँक रहा था। वेताल की मेखला, गुल्लक द्वीप, यह क्या रहस्य है? वेताल को खबर देनी चाहिए, मैं चलूँ। महावन के अंतराल में बहुत घना जंगल है, वहाँ जहरी भारे वाले जंगली बौने रहते हैं। मैं वेताल से मिलने आया हूँ, बहुत ज़रूरी खबर देनी है। यहीं ठहरो, रणकाली शहर से एक आदमी आया है, उसे रोक आया हूँ। वह कहता है ज़रूरी खबर लाया है, उसे यहाँ बुला लो। मैं विक्रम क्लब में काम करता हूँ, वहाँ मैंने गुल्लक द्वीप के बारे में कुछ बातें सुनी और मुझे लगा कि महाबली वेताल को वे बातें बतानी चाहिए। गुल्लक द्वीप समुद्री डाकुओं का अड्डा, आगे बताओ। जहाजी साहब, मिस्टर हाल्डर ने वहाँ एक मेखला देखी है, आपके कमर पट्टे की ही तरह। वह भीमा नामक आदमी के पास है। भीमा कहता है उसने वेताल को मारा था, लेकिन हो सकता है यह बात मनगढ़ंत कहानी हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि वेताल जीवित है और अमर है। तुम जो खबर लाए हो उसके लिए बहुत धन्यवाद, वह बड़े काम की खबर है। जाओ, अब तुम आराम करो। मेरे सभी पूर्वज बेतालों के पहने हुए वस्त्र और मेखलाएं यहाँ है, केवल एक चीज़ नहीं है, मेरे पिता की मेखला। उनकी पीठ में छुरा भोंका गया था, उन्हीं के एक
विश्वासी आदमी द्वारा। अब यदि उनकी मेखला गुल्लक द्वीप में है तो फिर हत्यारा भी वहीं होगा। गुड नाइट हाल्डर, भूलना नहीं अगले सप्ताह अपना बिलियर्ड का खेल है। भूलूंगा कैसे, अच्छा दावत के लिए धन्यवाद, बहुत रात हो गई। हाल्डर बिस्तर में पहुंचा, जमाई आती है, मैं थक गया हूँ, क्लब की भीषण कहानियाँ, किस्से और फिर अपनी आप बीती सुनाने के लिए प्रतीक्षा। अरे बाप रे, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ना तुम्हारा धन चाहिए ना तुम्हारी ज़िंदगी। घबराओ नहीं मिस्टर हाल्डर, मैं तुमसे थोड़ी सी जानकारी लेने आया हूँ। मैंने तुम्हारी गुल्लक द्वीप वाली घटना सुनी है, और यह भी कि तुम वहाँ भीमा से मिले और उसने उन्हें एक मेखला दिखाई। कैसी थी वह मेखला? तुमने कैसे सुना? जो मेखला मैंने देखी वह काले चमड़े की थी और दो बंदूकों के लिए जेबें बनी थी। उस पट्टे के बीच में चांदी का एक मुंड बना था, जैसे कंकाल की खोपड़ी हो। भीमा ने बताया कि वह बेताल की मेखला थी। क्या वह इस पट्टे की तरह थी? अरे वाह, बिल्कुल ऐसी ही। लेकिन तुम कौन हो? वेताल ऐताल तो कुछ है नहीं, जंगली लोगों का अंधविश्वास जरूर है। सुनो, जाओ मत, ठहरो, बात हो चुकी मिस्टर हाल्डर, तुमसे नहीं। अब आगे की बातचीत तो भीमा से ही होगी। क्यों जी, गुल्लक द्वीप कैसे जाते हैं? कोई मुश्किल नहीं, जुआरी यात्रियों के लिए गुल्लक वाले अपनी नावें खुद ही भेज देते हैं। जुआरी सैलानियों के जहाज पर वेताल भी चढ़ गया। सूरज डूब रहा है लेकिन वर्षा भी है, शायद इंद्रधनुष दिखाई देगा। दूसरी ओर गुल्लक द्वीप पर जुआरियों से लदा एक और जहाज आ रहा है, इनको कब रख लाएगी? उनका इसी प्रकार उल्लू बना रहना ही अच्छा है। भीमा, जब तुम सिंघा डाकुओं के मुखिया बने थे उसके पहले क्या तुमने सचमुच बेताल को मारा था? क्यों देखते नहीं है उसकी निशानी टंगी है? एक पुरानी कहावत याद आती है कि गुल्लक द्वीप को ध्वंस करने जब बेताल आएगा तब आकाश में दो इंद्रधनुष दिखाई देंगे। हाँ सुना है, लेकिन अभी क्यों याद आया? अभी इसलिए कि आकाश में दो इंद्रधनुष प्रकट हुए हैं। गुल्लक द्वीप पहुंचने पर, साहब जुआ खेलने का क्लब तो उस तरफ है। धन्यवाद, मैं जरा यूं ही पैदल घूमूंगा। ये ठग लोग यात्रियों से कैसी नम्रता से पेश आते हैं। वाह, सचमुच यह द्वीप हत्यारों और ठगों का स्वर्ग है। किसी का शासन नहीं, कोई कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुझे इस व्यक्ति का पीछा करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जुआ घर पहुँचने के पहले ही कोई दूसरा ठग इसका माल मुताब लूट ले। कई देशों के जेलों से भागे हुए अपराधी इस द्वीप पर आ बसे हैं, यहाँ उन्हें कोई डर नहीं, यह अपराधियों का तीर्थ स्थान है, इसका नाश होना चाहिए। अरे वाह, यहाँ तो कदम कदम पर घूंसेबाजी और फौजदारी होती दिखाई पड़ती है। दो इंद्रधनुषों की पुरानी कहावत से द्वीप के लोगों में काफ़ी घबराहट है, दुष्टों के दिमाग पिलपिलाए हुए हैं, बात बात पर लड़ते हैं। अरे साहब, यहाँ एक किस्सा मशहूर है कि जब गुल्लक का नाश करने वेताल आएगा तो दो इंद्रधनुष दिखाई देंगे। अच्छा, लेकिन यह वेताल आखिर है कौन? अरे कोई भी नहीं, एक वेताल था वह मर चुका, लेकिन आप तो जानते ही हैं बिना पढ़े लिखे लोग कितने अंधविश्वासी होते हैं। उसे किसने मारा था? तुम आए हो जुआ खेलने के लिए लेकिन सैलानी होकर ये तरह तरह के सवाल क्यों पूछते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मिकी डाकू छोरी निकालता है लेकिन पलक मारते बेताल का घूंसा उस पर पड़ता है, और मिकी कहता है यहाँ हम लोग यात्रियों से कोई सवाल नहीं पूछते और न यह चाहते हैं कि कोई हमसे सवाल पूछे। तुम कौन सा भेद लेने आए हो? बाप रे, मैं यहाँ ज़रूर सवाल पूछूंगा। सिंगा डाकू की पुरानी टोली में तुम भी थे ना? बोलो। हाँ मैं भी था, सब जानते हैं कि 10 वर्ष पहले हम सिंगा डाकुओं का एक पूरा जहाजी बेड़ा था, कई डाकू जहाज थे। एक दिन न जाने कैसे बेताल को हमारा पता लगा और उसने आकर हमारे लुटेरे जहाज़ों को जला दिया। उसके बाद हम गुल्लक द्वीप में बस गए। यह बताओ कि बेताल को किसने मारा? मेरा गला छोड़ो, बताता हूँ, हमारे सरदार भीमा ने बेताल को मारा था, उसी ने से वह हमारा नेता बना। फिलहाल तुमने जो खबर दी है वह काफ़ी है, फिर मिलूँगा। हाँ अभी ज़रूर मिलेंगे, तुम इस द्वीप से बच कर नहीं जा पाओगे, मैं और मेरे साथी तुम्हें सबक सिखा देंगे। क्यों जी, क्या हो गया तुमको, कहीं गिर पड़े क्या? नहीं सरदार, द्वीप पर आए एक यात्री ने मेरी मरम्मत कर दी, वह तरह तरह के सवाल पूछता था। अरे मिकी, तुम्हारे जबड़े पर यह प्रेत चिन्ह कैसा है? यह कंकाल मुंड तो बेताल का चिन्ह है, जरा ठीक से देखो सरदार, जिसने तुम्हें पीटा यही वह भयानक चिन्ह तुम्हारे जबड़े पर छोड़ गया है, बेताल का चिन्ह। वह यात्री जिसने मुझे घूंसा लगाया, लेकिन वह तो मर चुका है, मैंने 10 वर्ष पूर्व उसकी हत्या की थी, यह है उसकी मेखला। वह पुरानी कहावत बार बार याद आती है कि गुल्लक द्वीप पर जब वेताल आएगा तो दो इंद्रधनुष दिखाई देंगे, देखो।
छोड़ो भी भीमा, यहाँ तो कई बार दो इंद्रधनुष दिख जाते हैं। अभी अभी जुआरियों की नाव से कुत्ता लिए हुए एक यात्री उतरा है, वह जहाँ भी दिखाई दे गोली मार दो। लेकिन सरदार, अगर कुत्ता लिए हुए कई यात्री हमें मिले तो क्या हुआ, हम उन सब को मार डालेंगे। वह आखिर कहाँ से आएगा, मैंने खुद उसे मारा है, वह मर चुका है। लेकिन कहीं वह बात तो सच नहीं कि वेताल जीता जागता प्रेत है और अमर है। वेताल अब सतर्क हो गया। डाकुओं का दल कुत्ते के साथ घूमने वाले यात्री को ढूंढ रहा है, इसलिए तुम यहीं ठहरो शेरा, मैं अकेला ही आगे जाऊंगा। यह पुरानी कहावत मैंने भी सुन रखी थी कि गुल्लक द्वीप को ध्वंस करने जब वेताल वहां पहुंचेगा तो दो इंद्रधनुष प्रकट होंगे। और रणकाली से नाव पर चलते समय मैंने मौसम के दफ्तर में जानकारी ली थी। उन्होंने बताया था कि आज गुल्लक द्वीप पर वर्षा भी होगी और धूप भी निकलेगी। भाग्य का खेल है कि दो इंद्रधनुष भी निकल आए। वाह, पूरे द्वीप के हत्यारे मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तो भीमा को चाहता हूँ, उस भीमा को जिसने मेरे पिता के साथ घात किया था। तुम्हें क्या वह कहीं मिला? अभी नहीं, लेकिन हम तुमसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं भीमा। हाँ, 10 वर्ष पूर्व जब बेताल ने तुम्हारा जहाज जलाया था तब तुमने कहा था उसे तुमने मार डाला है, और इसीलिए तुम्हारे जैसे अजनबी को हम सब ने अपना सरदार बनाया था। लेकिन यदि तुमने उसे सचमुच मार डाला था तो वह अब यह क्यों सोचते हो कि वह गुल्लक में आया है? मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे मुंह पर जो प्रेत चिन्ह है वह उसी का है। मैंने उसे मारा था, यह मेखला उसका प्रमाण है। लेकिन हो सकता है कि वह अमर हो, यह भी हो सकता है कि वह जीवित प्रेत हो, पर मैंने उसे मारा था। हमें ठीक ठीक बताओ कैसे मारा था। 10 वर्ष पूर्व तुमने वेताल को किस प्रकार मारा था भीमा? याद है जब हमारे पास एक बड़ा जहाजी बेड़ा था? हाँ, और तुम उस पर झाड़ू लगाते थे। अच्छा, तुम्हें याद है कि जब बेताल ने हमारे जहाज को भस्म किया था तो बड़े जोर का धमाका हुआ था? अच्छा, सुन लिया, हम सब वहाँ थे। आगे बताओ। मैं विस्फोट से उड़कर समुद्र में जा गिरा, और जब मैंने एक आदमी को एक डोंगी चलाते हुए देखा मैंने पहचान लिया, वही वेताल था। मेरे पास कोई अस्त्र नहीं था, फिर भी मैंने उसका पीछा किया और आगे जाकर हमला किया और उसका काम तमाम कर दिया। उसकी बंदूक गिर गई और मेरे घूसों की मार ने उसे ठंडा कर दिया, वह मर गया। मैंने उसका कमर पट्टा उतार लिया जो तुम्हारे सामने है। उसके अंत की यही कहानी है। उसने मेरे पिता की हत्या जरूर की, लेकिन जैसे कह रहा है उस प्रकार नहीं। यह दुष्ट बहुत ही बेईमान और झूठा है। मनगढ़ंत कहानी सुनाई है तूने भीमा, अब मैं सच्ची कथा सुनाऊंगा। अरे, तुम उस समय मरे नहीं थे? या यह सचमुच जीवित प्रेत है? चुप खड़ा रहा भीमा, तू डाकू दल का सरदार यही दावा करके बना था कि तूने बहादुरी से बेताल को मारा। 10 वर्ष पूर्व सिंगा का डाकू जहाजी बेड़ा बेताल ने कैसे नष्ट किया था? सुनो, मुझसे सिंगा के ही एक नौकर ने जिसका नाम भीमा था बेताल की मदद की थी। नहीं, भीमा ने भेदिए का काम किया। उसने बेताल को खबर दी कि डाकू जहाज कहाँ पर है। ठीक जगह और ठीक समय भी भीमा ने ही बताया। बेताल ने भीमा का विश्वास किया, लेकिन भीमा ने उसी की पीठ में छुरा भोंक दिया। भीमा ने सबके साथ बेईमानी की, और भीमा ने ऐसा इसलिए किया कि जहाजों के जल जाने के बाद भी सिंगा डाकू का बहुत सा खजाना था। भीमा नेता बन बैठा। क्यों, तू झूठा बेईमान मक्कार, मुझे इस पाजी से हमेशा घृणा रही है, इसकी सब बातें झूठी है मिकी। नहीं, भीमा का न्याय तो मैं ही करूँगा। लेकिन ठहरो, अगर भीमा ने वेताल की पीठ में छुरा भोंका था, तुम्हें मार डाला था, तो तुम यहाँ कहाँ से आए? बेताल प्रेत है, जीवित अमर प्रेत। तुम क्या मर कर जी उठे हो मेरा संहार करने? बेकार की बात छोड़ो भीमा, वह जो भी है जिंदा है, जीवित प्राणी ही है तेरी तरह। मेरे पिता की मेखला, मेरे पिता जिनकी पीठ में इस पापी भीमा ने छुरा भोंका था, मैं लौट कर आया हूँ तुम्हें दंड देने भीमा, और इस गुल्लक द्वीप के पापाचार को नष्ट करने। तुम जो भी हो बड़ी बड़ी बातें मत करो, यहाँ हमारे 1000 साथी हैं। बेताल तेजी से वार करता हुआ छज्जे की ओर बढ़ा। दुष्टों की पूरी फौज मेरे पीछे है, पहले हम जाकर उसका काम तमाम करेंगे, फिर लौट कर तुम्हें खत्म करने आएंगे। दगाबाज धूर्त पाजी कहीं का, मेरे लिए तो भयानक संकट आ गया है। गुल्लक के डाकुओं ने चारों ओर से बेताल को घेर लिया, सभी दिशाओं से ये दुष्ट चले आ रहे हैं, लेकिन यदि मैं इस छत की मुंडेर तक पहुंचूं तो। याद है वह पुरानी कहावत, जब गुल्लक को नष्ट करने बेताल आएगा तो दो इंद्रधनुष प्रकट होंगे। देखो, तुम्हारे सामने दो इंद्रधनुष हैं और तुम्हारे जीवन का अंत भी। दूसरी ओर डाकुओं के सरदार भीमा की बुरी हालत है, भय और घबराहट से एक ओर कुआं और दूसरी ओर खाई वाली स्थिति है।
मैं तुम्हें दंड देने लौट आया हूँ भीमा। दगाबाज धूर्तता अपने ही साथियों के साथ भीमा वेताल से निपट लें, फिर आकर तुम्हें खत्म करेंगे। चाहे जो भी जीते, मेरी तो हार ही है। नहीं, मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। यदि गुल्लक पर मेरा राज नहीं होगा तो किसी दूसरे का भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हकीकत में हो कौन, लेकिन इसके लिए वक्त नहीं, मरो। पिस्तौल के घोड़े पर मिकी डाकू की उंगली दबने लगी। उसी क्षण द्वीप के जहाज गोदी में बड़े जोर का विस्फोट हुआ। गुल्लक द्वीप में चारों ओर भयानक विस्फोट होने लगा। अग्निकांड, भूकंप, क्या है? लोग चारों ओर सड़कों पर निकल कर भागने लगे। बम वर्षा हो रही है, भूचाल आया है। द्वीप के तट पर खड़े हुए जहाज लंगर उठाकर गहरे पानी की ओर भाग चले। मिकी, यह सब क्या है? इस द्वीप में सिंगा सरदार के समय से ही ध्वंसकारी फौजी सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। उनके विस्फोट का रहस्य केवल दो ही जानते हैं, मैं और भीमा। यदि वेताल बस निकलता है तो वह मुझे मार डालेगा, और नहीं तो फिर ये लुटेरे साथी ही मुझे मार डालेंगे। मैं सुरंग से द्वीप को ही उड़ा दूंगा। भीमा, तू यहाँ? मिकी, मुझे कोई नहीं पा सकता। अब देख, या कोठरी भी उड़ा देता हूँ। अंतिम भयानक विस्फोट। दूर समुद्र से एक बड़े सरकारी जहाज के अधिकारी ने गुल्लक द्वीप पर होने वाले विस्फोटों को देखा। सरकारी जहाज द्वीप पर पहुंचा और उसके सैनिकों ने व्यवस्था स्थापित की। साहब, समुद्री डाकुओं का यह बड़ा पुराना गढ़ है, इसमें बारूद की सुरंगें बिछी थी। कहते हैं भीमा नामक डाकू ने सुरंगों से यह सब ध्वस्त किया। यहाँ उसका मकान था। कुछ डाकू साथी उसके साथ मारे गए, किंतु भीमा यहीं रहता था। आप क्या ढूंढ रहे हैं साहब? एक चीज ढूंढ रहा हूँ जो मेरी है, यहाँ है वह। पिता की मेखला, तुम्हारे हत्यारे का अंत हो गया, उसके साथी भी समाप्त हो गए। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी मेरे पिता। अजीब बात है, रात को गुल्लक द्वीप में चारों ओर यही अफवाह थी कि बेताल वहाँ आया है। इसकी पुरानी कहावत सुनी है कि जब गुल्लक पर बेताल आएगा तब आकाश में दो इंद्रधनुष प्रकट होंगे। सोचो कैसे अंधविश्वास की बात है। हाँ, शायद अंधविश्वास ही हो। समाप्त। इसके साथ ही दोस्तों, वेताल सीरीज की यह प्रथम कॉमिक समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको यह कॉमिक्स पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको इस वीडियो में क्वालिटी कॉमिक्स की थोड़ी सी गड़बड़ है, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। आशा करता हूँ आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे तथा मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ को भी देखते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली कॉमिक्स तक। बाय।